ट्रेनर कुछ एक्स्ट्रा मिले तो हम खुद को रोक नहीं पाते, इसलिए अपने रिलायंस CDMA हैंडसेट्स पे पाइए ब्राउजिंग, वीडियोस, लाइव टीवी, गेम्स और बहुत कुछ। नंदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, नंदी, नाम विश्वास का। माय पावर फ्लो थ्रोविंग इज चेंजिंग फॉरएवर। एवरी ट्रिप हैज अ पर्पस। caretrip.com। Get up close and personal with Michael Dell and discover how to make this year a profitable one. With this issue of Entrepreneur on stands now. India, जहाँ जाने वाला एक और छोड़ने वाले अनेक, इसलिए Logan, space, no problem. Logan loves India. ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। कभी सोचा है कि आपके घर के पास जो मैकडॉनल्ड्स है या फिर रिबॉक या नाइकी जैसे बड़े शोरूम्स हैं, या फिर वो मॉल जहां आपके मनपसंद ब्रांड की दुकानें हैं, ये सब किस तरह से हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। अगर आज हम अपने आसपास के माहौल से इन सब को हटा दें, तो हम कुछ सदियों पीछे चले जाएंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते और इसे हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाया है फ्रेंचाइजिंग ने। फ्रेंचाइजिंग की वजह से आज हम हिंदुस्तान में बैठकर दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनियों के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर पा रहे हैं, वो चाहे कपड़े हो या घड़ियां या फिर किसी दूर देश का खाना। आज हमें ये सब इतनी आसानी से सिर्फ फ्रेंचाइजिंग की वजह से मिल पा रहा है। फ्रेंचाइजिंग इज अ लॉन्ग टर्म मैरिज। मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल फ्रेंचाइज एग्रीमेंट्स आर फॉर 10-15 years with options to extend for another 10-15 years. So the way that a business needs to look at international growth is it's like a marriage. You're going to be joined at the hip. Franchising mere hisab se sabse acha madhyam hai ek aadmi ko risk apna kam karna, risk mitigate karne ke liye apna business naya shuru karne ke liye. पश्चिमी दुनिया ने बिजनेस के इस तरीके से काफी मुनाफा कमाया है और इसके स्कोप को समझा है। फ्रेंचाइजिंग एक ऐसा बिजनेस है जो कम कीमत और आमदनी ज्यादा की कसौटी पर खरा उतरता है। इसमें एक कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए दूसरे बिजनेसमैन पर भरोसा करती है और उन्हें अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को बेचने की न सिर्फ परमिशन देती है, बल्कि उन्हें अपनी कंपनी के तौर तरीके और कस्टमर केयर से भी वाकिफ करवाती है। इससे एक नए व्यापारी को एक एस्टैब्लिश ब्रांड के नाम के साथ साथ उसके तौर तरीके की जानकारी भी मिलती है, जिससे बिजनेस को फायदे में ले जाने में काफी मदद मिलती है। हम यही कोशिश करते हैं कि शॉप कोई भी हो जो फ्रेंचाइज देना हो, वो पहले कंपनी खुद रन करती है 6 महीने, साल, 2 साल, टिल द टाइम वी फील के जो शॉप में बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिटेबल बिजनेस होना चाहिए, वो हो रहा है या नहीं हो रहा। Once we feel कि भाई this is a profitable venture, then we call the franchisee to come in and invest. Because then he sees कि भाई इस शॉप के past experience साल, 2 साल, 3 साल क्या हुआ है, तो he is sure कि भाई इतना तो होगा ही होगा। And we give him the platform where कि staff, maintenance, stock, जो जो उसमें required है वो हम उसको रेडीमेड देते हैं, सो दैट उसको कोई अपने तरफ से एक्सपेरिमेंट ना करना पड़े। फ्रेंचाइजिंग बिजनेस के बारे में लोगों में जानकारी बढ़ाने की और इसको हिंदुस्तान में फैलाने की लगातार कोशिश जारी है और हर गुजरते साल के साथ इस बिजनेस के तरीके को देश भर में फैलाने के लिए इंडियन फ्रेंचाइजी एसोसिएशन एक अहम किरदार निभा रहा है। फ्रेंचाइजी एसोसिएशन पिछले 8 सालों से लगातार हर साल फ्रेंचाइजी इंडिया के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंचाइजी और रिटेल शो करता रहा है। 2 दिन के इस समारोह में सेमिनार्स, नेटवर्किंग सेशन से लेकर एग्जीबिशन तक सब कुछ होता है और इस तरह ये 2 दिन एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन और नए बिजनेसमैन के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होता है। बहुत जरूरी है, आई थिंक इसमें इस सारे शो में 30,000 से ज्यादा लोग आते हैं।
और हर ब्रैकेट के हैं, कोई 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कोई 20 करोड़ की करना चाहता है, और ऐसे ही कंपनीज आती हैं जो इंडियन होती हैं, इंटरनेशनल हैं, मल्टीनेशनल हैं, लॉयर्स हैं, प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स हैं, सो बहुत तरह के लोग अलग अलग चीजें उम्मीद करके आते हैं। तो उसमें नेटवर्किंग बहुत जरूरी है और इफेक्टिव नेटवर्किंग बहुत जरूरी है कि मतलब कि उन लोगों को राइट आदमी से मिल सके वो 2 दिन के अंदर, अपना टाइम मैक्सिमाइज कर सके। तो हम बहुत काम करते हैं पहले 15-20 दिन स्पेशली शो से पहले कि उन लोगों की राइट अपॉइंटमेंट फिक्स हो सके, वो राइट जगह लोगों से मिल सके। तो ये बहुत जरूरी पार्ट ऑफ द शो है और बहुत सारे ऐसे फोरम्स क्रिएट किए गए हैं जहां लोगों को पता है कि भाई अगर इस आप कैपिटल देख रहे हैं तो ये फोरम हो रहा है, अगर आप लीगल एडवाइस देख रहे हैं तो ये फोरम हो रहा है, अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं तो उसके लिए अलग फोरम है। सो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज बनाई गई हैं। फ्रेंचाइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच है जहां देश विदेश से व्यापारी आते हैं और अपने व्यापार के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। इनमें से कुछ अपने बिजनेस और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं और कुछ अपने एक्सपीरियंसेस बताकर नए उभरते व्यापारियों की मदद कर उनके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। ये देशों के बीच व्यापार बढ़ाने में और ग्लोबलाइजेशन को और मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाता है। One of the things that I would suggest is that there's no shortcut for homework, going and doing research. One of the real weaknesses I see in businesses that go international is that they respond to an inquiry from someone from another market that says, hey, I've seen your business concept in India, I love it, can I please have it for Dubai? And you get excited because someone has taken interest in your brand. And you get led by that person. Rather, what I would say is that you need to be very strategic in which countries you want to go to, and make sure that when you go there, you go and do your homework first. So you are negotiating from a position of strength, of understanding that local market. And then once you understand the local market, what the different dynamics are, the second most important thing is partner selection. Because in many markets, unless you're planning to go there and establish a business yourself, in a franchising model, you're actually working through a local partner. And that really is the beauty of a franchise concept, is that you bring the systems, the tools, the processes, the brand, and the local partner brings the capital and the local understanding. And when that marriage happens, when those two come together, it's a phenomenal opportunity for growth in that market. Moreover, the skills of human resources available in UAE to grow, and they would be also keen to look at India as one of the growing economy, emerging economy, and the downturn time with growth of 9% in their GDP expected for the year, fiscal year 2010. And I believe the facts of the growth of availability, the availability of the growth potential here in the Indian market would be encouraging factors for UAE-based companies as well as international companies which are based in UAE to come and explore and be the part of the success story of the growth of the economy here. Franchisee India 2010 mein kisne bhaag liya? ऐसे फ्रेंचाइजर जो अपने बिजनेस को पूरे भारत में फैलाने की कगार पर हैं, ऐसे फ्रेंचाइजर जो अपने ब्रांड को और बेहतर बनाना चाहते हैं, ऐसे फ्रेंचाइजर जो अपने मास्टर फ्रेंचाइजर को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करना चाहते हैं, ऐसे फ्रेंचाइजिंग नेटवर्क जिन्हें अपना बिजनेस प्लान मार्केट में लॉन्च करना है। पिछले कुछ सालों में फ्रेंचाइजी इंडिया फोरम को एक ऐसे मंच के रूप में मान्यता मिली है जहां फ्रेंचाइजर्स अपने सवालों और समस्याओं को सीधे एक्सपर्ट्स के सामने रख सकते हैं और एक्सपर्ट से जान सकते हैं उनकी राय। तो इन्हीं एक्सपर्ट से मिलते हैं और उनसे ही जानते हैं कि उन्हें फ्रेंचाइजी बिजनेस करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और हम उसका फायदा अपने बिजनेस को कामयाब करने के लिए कैसे उठा सकते हैं। ₹7.75 lakhs only.
भरोसा करें जीवन बीमा समाधान पर, उस बैंक से जिस पर आपको भरोसा है। गो बेबी गो बेबी गो बेबी गो। बिग बॉस किसी की भी छुट्टी कर सकते हैं। ए, हटना। You know right now? She has jumped on very spider woman meets Mindak woman. और मुझे चिपकती हुई लड़कियाँ बहुत पसंद है पर्सनली। और अगर देखें, oh wow, she has got the fourth ball and मेरी Mindak woman जीत गई है, यानी जोरो का झटका, जोरो से, जोर का। Pepsodent presents जोर का झटका, powered by All Out. 1 फरवरी से रात 9 बजे सिर्फ Imagine. टीमो सुल्तान की तलवार मेरे पास है। Where are you? तुम्हारे बगल में। Jump now. Oh no. सुमेरी, आगे लो, आगे लो, बाइक आगे लो। मामू